अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त सियालकोट की तहसील डस्का के इलाका सिरावाली के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 19 साल तैमूर हसन ने 650 टीमों को शिकस्त देते हुए माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप अपने नाम कर लिया है। इस नेशनल कप को जीतने वाले वो नौजवान भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे अपनी कामयाबी के हवाले से? माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हर साल एक कप कराता है, टेक्नोलॉजिकल कप होता है, उसके अंदर 650 टीम्स कंपीट करती हैं। रीजनल्स होते हैं, नेशनल्स होते हैं, फिर इंटरनेशनल्स होते हैं। हमने रीजनल में कंपीट किया, रीजनल्स विन किए हैं, नेशनल्स में कंपीट किया है, नेशनल्स विन किए हैं। अब पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना जा रहे हैं, सिर्फ 40 टीम्स आती हैं यूएसए, जापान, इस तरह के ममालिक से, और अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ 40 टीम्स हैं। आई होप सो कि हम इंटरनेशनल भी जीत सकते हैं। अरे बिल्कुल, आपने तैमूर हसन का यहाँ पर जज्बा देखा, वो वर्ल्ड कप भी जीतने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर इनके घर पे मुबारकबादें देने का, मिठाइयाँ खिलाने वालों का, रिश्तेदारों का तांता बंधा हुआ है। इसके तैमूर हसन की इस टाइम दादी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। जी दादी, हम आप बताइएगा, आप क्या कहेंगी अपने बेटे की कामयाबी के हवाले से? माशाल्लाह, मुझे बहुत फ़ख्र है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा विन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके लिए दुआगो हूँ, आइंदा भी ये ऐसी ही कामयाबियाँ हासिल करें और माशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी जीत के आए। हम इसके लिए सारे दुआगे वो हैं, मैं भी, मैं इसकी माँ, इसकी बहनें, सब इसके लिए दुआएं करती हैं। अरे बिल्कुल, आपने दादी अम्मा की बात भी सुनी, दुआएं भी सुनी, इनका यही कहना था कि नेशनल कप तो ये लोग जीत चुके, ये अब वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार है और वर्ल्ड कप भी माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप इंशाल्लाह लेकर आएगा और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करेगा। इकबाल के शहीन के लिए हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी।